हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत तो हमेशा राधे राधे से होती है। वैसे हम अपने गांव में जन्माष्टमी मना सकते थे, लेकिन इस बार गांव में एक दादाजी और दादी जी एक्सपायर हो गए हैं, जिस कारण हमारे गाँव में इस बार जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही है। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मम्मी भी यहाँ पे लगी पड़ी है गाय की गोबर की लिपाई, हाँ, लाल मिट्टी से, क्योंकि अब झंगोरा होने वाला है तो बहुत ज्यादा काम होने वाला है। ये ठीक है मम्मी, बाय, बैठो तुम, लगे रहो। और ये देखो, सुबह सुबह साक्षी को भी काम मिल गया है। ये सारा झंगोरा इसने यहाँ पे इकट्ठा करना है और ये धूप में डालना है छत में। हाँ, आज तो काफी गोरी लग रही है। भूतनी आजकल गोरी हो गई मैं। गाय, उसको लगा कि सच में गोरी लग रही है, उस साइड पूरी परछाई पड़ रही थी। अभी जा रहा हूँ मैं बाजार की ओर, और अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाना है जन्माष्टमी में। चंद्रपुरी भी है और देवरिया ताल भी है, और देवरिया ताल के लिए मैं काफी लेट हो चुका हूँ। वहाँ 4-5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी है। चलिए दोस्तों, सफर की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी, राधे राधे। बाकी कहीं पे भी बाइक थोड़ा सा खड़ी करो तो देखो, ये शीशा लोगों ने ढीला कर दिया है, हिला हिला के। क्या बोल सकते हैं किसी को। हेलो गाइस, ये कुछ ऐसा रहता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, बारिश आई थी 3 दिन पहले, गड्ढे भरे ही नहीं हैं यार। अभी मैं सुमाड़ी मार्केट पहुंच चुका हूं, और आज काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। अब देखते हैं, कहीं प्रोग्राम होगा तो वहीं चलते हैं। तो गाइस, अभी तिलवाड़ा से थोड़ा आगे आया था और मैं जा रहा हूं अगस्त मुनि की ओर। दोस्तों, हम अमित भाई के साथ आज पहली बार जा रहे हैं बाइक में। अमित भाई ने दोस्तों नई बाइक ली, पर पार्टी नहीं कराई दोस्तों। दोस्तों, मैं सबको पार्टी कराते कराते थक गया। हमारे बाजार तिलवाड़ा में भी जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन आज पूरा बाजार बंद है। सुनने में आया है कि किसी दुकानदार की वहाँ पे मृत्यु हो गई है, तो इस वजह से इस साल भी वहाँ नहीं मनाया जाएगा जन्माष्टमी महोत्सव। ये देखो, यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण अभी तक ठीक नहीं हुआ यहाँ पर। सारी चीजें आ जा रही है। जो अगस्त मुनि में सबसे तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ था वो यहीं पे हुआ था। ये देखो भाई, पूरी पहाड़ चट्टान नीचे आ गई थी। यहाँ पे एक साथ डबल गाड़ी नहीं जा सकती। अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं देवरिया ताल नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ चंद्रपुरी, और अभी सौड़ी से आगे पहुँचा हूँ। और ठीक देखो, यहाँ नीचे मंदाकिनी नदी है, और वहाँ पे देखो काफी सारे लोग लकड़ी ला रहे। ये लोग वही वाली लकड़ी फाड़ रहे हैं जो मंदाकिनी रिवर में बह के आई होगी। और इसके ठीक सामने है सौड़ी गांव, वहां अभी फसल तैयार हो रही है धान की। कल चार धाम यात्रा जोरों शोरों पे चल रही है, सारी गाड़ी वो चार धाम यात्रा वाली आपको दिखाई दे रही होंगी ट्रैवलर। तो गाइस, अभी मैं चंद्रपुरी में पहुंच चुका हूं, बाकी अभी एंट्री गेट पे हूं, और यहां पे लिखा हुआ भी है कि आज कृष्ण जन्मोत्सव है। तो चलते हैं यहां से, और ठीक बगल में यहां पे मंदाकिनी नदी भी बहती है, तो काफी खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। और हमने सामने पुल पार जाना है। गाइस, अभी हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, बाकी यहाँ पे अभी कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हुआ है,
लगभग 1-2 घंटे लगने वाले हैं। अभी सभी जगह तैयारियां चल रही हैं। गाइज अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं, बाकी हम फिर से पुल में आ गए हैं और धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है। तो काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जो देवरिया ताल नहीं जा सकते वो यहीं आ रहे हैं। मुझे अभी मेरे एक फ्रेंड भी मिला है, अभिषेक ब्रो, क्या हाल है भाई? मंदिर में हमें एक और भैया जी मिले हैं जो कि ओरिंग के रहने वाले हैं और मेरी डेली वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, प्रणाम आपको। कुछ समय बाद झांकी आने वाली है। भीड़ देख सकते हो यहाँ कितनी जबरदस्त हो रखी है। बाकी साइड देखो, अभी लोग आ ही रहे हैं। हेलो गाइस, क्या हाल है? बस ठीक है, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। अभी तक हम चंद्रपुरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में थे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, ठीक 200 मीटर दूर एक मंदिर और है, वहीं से लक्ष्मी नारायण मंदिर में झांकी आएगी, तो हम झांकी देखने जा रहे हैं। कुछ हमारे और दोस्त मिले हैं। बड़े हैं आप, बताओ राहुल भाई। गाइस अभी जिस मंदिर में मैं आ रखा हूँ यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं, बाकी यहीं से झांकी उठेगी और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएगी, तो हम भी वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। यहाँ पे भैया अपना GoPro जैसे ही खोल लेते और चिप निकली, सीधे नीचे गिर गई और ऐसी जगह गिरी है भाई कि मिलना एकदम इम्पॉसिबल सा लग रहा है। यहाँ पे मेरा दोस्त आंसू भी आ गया है, ये उड़ा रहे हैं यहाँ पे ड्रोन। काफी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अभी मंदिर से झांकी निकल गए भगवान श्री कृष्ण की। ये हमारी साइड के ब्लॉगर हैं, पहाड़ी बातें, और ये देखो स्ट्रगल देखो इनका। अभी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समाप्त हो गया है, बाकी चलते हैं घर की ओर। और यहाँ लगभग 3-4 बज चुके हैं, बहुत लेट कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन बहुत मज़ा आया। आपने भी देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हो गए, बाकी आप सभी पे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। और यह है मंदाकिनी नदी का प्यारा सा व्यू। अभी धीरे धीरे सभी लोग घर जाने लगे हैं, चलते हैं हम भी घर की ओर। और ये बाइक इतनी गर्म हो रखी थी, क्या बताएं। भाई क्या घोड़े बेच के सो रहा है? अगस्त मुनि पहुंच गया हूं और लोकेश भाई यहां पे थोड़ा आराम कर रहा है।
घर जा रहा तू? घर चल गाइस, थोड़ा जलेबी लेते हैं घर वालों के लिए, कुछ मीठा हो जाए। गाइस अभी सुमाड़ी बाजार में पहुंच चुके हैं, बाकी मेरे साथ दोस्त का भाई भी जा रहा है, आधे रास्ते तक ये साथ में जाएगा और आज तिलवाड़ा बाजार बंद है। हेलो भेजी, प्रणाम भेज प्रणाम। हमारे धनी भाई भी घर आ चुके हैं, आजकल छुट्टी, फौजी भाई अलग नहीं रहे आजकल, कौन सी जगह पोस्टिंग थी भाई, पतले हो गए। अच्छा ये जाती है हमारे गांव के लिए, लेकिन इस भाई को इस साइड छोड़ना है मैंने, तो थोड़ा आगे छोड़ देते हैं यार। तो उसके भाई को भी यहाँ तक छोड़ दिया है, ठीक है भाई, तब अब थोड़ा सा ये पैदल जाने के लिए आगे। गाइस मेरा तो एक ही वसूल है, अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो हेल्प करनी चाहिए, अगर हमारे बस की है, क्या पता उससे कब हमें हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाए। अगर मेरे से कोई लिफ्ट मांगता है तो 90% सबको लिफ्ट दे देता हूँ, सिर्फ अपनी गांव की रोड पे छोड़ के, वहाँ पे मेरे लिए ही टास्क रहता है कि कैसे जाऊँ। ये देखो गाइस हमारे गाँव की सड़क, भाई साहब पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है भाई। गाइस शाम का समय है तो देखो गांव की महिलाएं भी न्यार का भारा लेके आ चुकी हैं, तो पहाड़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। तो गाइस अभी ऐसा है ना, सड़क में पहुंच चुका हूं, बाकी साक्षी भी यहां पे किसी की मदद करने आ रखी थी पराल लेने के लिए, और उनके घर पे छोड़ दिया है। बाकी ये बोलिए बाइक सिखाओ भाई, आपको लगता है बाइक सीखना चाहिए? हाँ, इसका सही माने तो सीख लो। एक बार दोस्तों ये टी शर्ट कैसी लग रही है आप जरूर बताना, ये मेरा छोटा भाई सुमित लाया था मेरे लिए दिल्ली से जब आया था, जब भी वो आता है तो खूब सारे कपड़े लाता है मेरे लिए, तो कम पर इसके लिए दुनिया भर के लाते हैं लोग, सब चीज उसी के पहनने। मैं तो कब का घर पे पहुंच गया था, लेकिन मम्मी अब आ रही है, खेतों में काम करने गई थी, और अभी हमारे नीचे पड़ोसियों की लवाई मंडाई चल रही थी तो वहाँ मानने गई थी, और काफी लेट हो गया क्योंकि शाम का समय, आज मौसम थोड़ा खुल गया था ना, तो इस वजह से काम सही सही हुआ। बाकी स्पेशल ला रखी है मैंने जलेबी, लो भाई जलेबी चखो। मम्मी की फेवरेट जलेबी और मेरे फेवरेट समोसे। हाँ इसको समोसे पसंद है, इसको जलेबी है। लो भाई चखो यार, पहाड़ों में जलेबी कोई तो बहुत जबरदस्त बनाता है और कोई बहुत खत्म, ये ठीक हो रही है ना? बहुत अच्छी हो रही है। बाकी दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो नीचे एक ब्लैक कलर का या रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।